संत मत्ती दी अंजील उहदा 26 बाब। जदों यीशु ये गल्लां कह चुकिया तां उसने अपने चेलियां नूं कहा, तुसीं जानदे हो कि 2 दिन दे बाद पासका त्यौहार है अते मनुख दा पुत्तर सलीब उत्ते चढ़ाए जाण लई फड़ाया जावेगा। तद मुख काहिना अते लोकां दे नेता काइफास नां दे महाकहान दे महल विच इकट्ठे होए अते यीशु नूं चोरी छिपे गिरफ्तार करन लई अते उस नूं मार देन लई आपस विच सलाह कीती। पर उन्हां ने कहा, त्यौहार दे समय नहीं किते जन्नता विच हंगामा ना हो जावे। हुन जदों यीशु बेतनिया विच सिमोन कोड़ी दे घर विच सी तां एक औरत संगमरमर दे भांडे विच बहुत ही कीमती खुशबूदार तेल लै के उस दे कोल आई अते जदों ओ भोजन कर रहा सी तां उसने ओ उस दे सिर उत्ते डोलिया। पर जदों उस दे चेलियां ने ये देखिया तां उस ते गुस्सा होए अते कहा, इस नूं क्यों जाया कीता गया, क्योंकि ये खुशबूदार तेल एक वड्डी रकम विच वेचिया जा सकदा सी अते ओ रकम गरीबां नूं दित्ती जा सकदी सी। पर यीशु ने यह जानदे हुए उन्हां नूं कहा, तुसीं क्यों इस औरत नूं परेशान करदे हो, क्योंकि उसने मेरे लई एक सोना काम कीता है। गरीब तां हमेशा तुहाडे नाल रहणगे, पर मैनूं तुसीं हमेशा अपने नाल नहीं वेखोगे। इस खुशबूदार तेल नूं मेरे शरीर उत्ते डोलन नाल इसने मैनूं मेरे दफन दे लई तैयार कीता है। मैं तुहानूं सच कहिंदा हाँ, सारे संसार विच जिथे किते भी इस अंजील दा प्रचार कीता जावेगा उत्थे इस औरत नूं याद विच इस दा ए काम दस्या जावेगा। तद 12 विचों एक जो यहूदा इस्करियूती अखवांदा सी मुख कहाना दे कोल गया अते कहा, जेकर मैं उस नूं तुहाडे हत्थां विच दे देवां तां तुसीं मैनूं की देवोगे। उन्हां ने उस नूं चांदी दे 30 सिक्के दित्ते। उसे पल तों ओह उस नूं दर्ग नाल फड़वाउण लई मौका पालदा रहा। हुण बेखमीरी रोटी दे पहले दिन जदों चेले कहिंदे होए यीशु कोल आए, तू कित्थे चाहुंदा है कि असी तेरे लई पासका भोजन लई खाण लई तैयार करिए। उसने कहा, शहर विच फलाने फलाने आदमी कोल जाओ अते उस नूं कहो, गुरु जी कहिंदा है मेरा समा नेड़े है, मैं अपने चेलियां दे नाल तेरे घर विच पासका मनावांगा। चेलियां ने उस दे तरह कीता जिस तरह यीशु ने उन्हां नूं आदेश दित्ता सी अते उन्हां ने पासका दी तैयारी कीती। जदों शाम हुई तां ओह 12 चेलियां दे नाल भोजन करन लई बैठा। जदों ओह खा रहे सन उसने कहा, मैं तुहानूं सच कहिंदा हाँ, तुहाडे विच्चों एक मेरे नाल दगा करेगा। ओह सारे बहुत ही उदास हो गए अते एक एक करके उसनूं कहन लगे, प्रभु की ओह मैं हाँ? उसने उत्तर दिता, जिसने अपना हाथ मेरे नाल थाली विच डुबोया है ओ मेरे नाल दगा करेगा। मनुख दा पुत्तर तां उसे तरह जानदा है जिस तरह उस दे बारे लिखिया गया है, पर तिदकार है उस आदमी ते जिस दे राही मनुख दे पुत्तर दा विश्वासघात कीता जावेगा। ओ आदमी लई ए चंगा हुंदा जेकर ओ पैदा ही ना हुंदा। यहूदा ने जदों ओ विश्वासघात करन वाला सी कहा, गुरु जी की ओ मैं हाँ? यीशु ने उस नूं कहा, तू ए आप ही कहा है। जदों ओ भोजन कर रहे सन यीशु ने रोटी लई उस नूं बरकत दित्ती अते तोड़िया अते अपने चेलियां नूं दित्ता अते कहा, लवो ए खाओ, ए मेरा शरीर है। फिर उसने प्याला लिया अते जदों धन्नवाद कर लिया तां उसने उन्हां नूं दित्ता ए कहिंदे होए, तुसीं सारे इस विच्चों पियो, क्योंकि ए नेम दा मेरा लहू है
ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਦੀ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਦ ਯੇਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਬਬ ਡੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗਾ। ਯੇਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਰਾਤ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।